इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। सांची से 41 किलोमीटर दूर बसा है ग्यारसपुर। विदिशा जिले की इस तहसील में हर तरफ बिखरे मध्यकाल के स्मारक इसके अतीत के वैभव की याद दिलाते हैं। समय के थपेड़ों को झेलने के बावजूद कुछ स्मारक ग्यारसपुर में बचे रह गए हैं। उनमें सबसे बड़ा है माला देवी मंदिर। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति। आज हम आ पहुंचे हैं ग्यारसपुर के माला देवी मंदिर। मध्यकाल में ग्यारसपुर काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था और यहां 9वीं और 10वीं सदी में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ और उनमें बेहद खास स्थान रखता है ये माला देवी मंदिर। ये आंशिक रूप से पहाड़ को काट कर बनाया गया है और बाकी का हिस्सा पूरी तरह निर्मित हुआ है। कुल मिलाकर इसकी स्थापत्य योजना साधारण लेकिन सुंदर है। एक प्रांगण, मंडप और अंदर बना है पूजा स्थल। 9वीं सदी में प्रतिहार शासन के दौरान बना ये मंदिर स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है जो इसे एक मनोरम छवि प्रदान करता है। मंदिर की छत और दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी इस बात का प्रमाण है। मंदिर की सभी दीवारों और छतों पर पत्थरों को काटकर देवी देवताओं की आकृति बनाई गई है। ग्यारसपुर में एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष है और ये है हिंडोला तोरण। हिंडोला का अर्थ होता है झूला और ये प्राचीन तोरण द्वार विष्णु या त्रिमूर्ति के मंदिर का प्राचीन द्वार हुआ करता था। हालांकि अब मंदिर नष्ट हो चुका है। हिंडोला तोरण के दोनों विशाल खंभों के चारों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां बनी है। पुरातात्विक खुदाई के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि नष्ट हो चुके मंदिर के सभा मंडप और महामंडप से मूल रूप से हिंडोला तोरण जुड़ा हुआ था और इसका निर्माण काल 8वीं सदी से 10वीं सदी के बीच है। हिंडोला तोरण के अलावा एक और ऐतिहासिक स्मारक है, ये है अष्टखंबा। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये स्मारक 8 खंभों पर टिका है। इन खंभों पर बेहद खूबसूरत ढंग से नक्काशी की गई है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक जमाने में मौजूद रहे एक खूबसूरत मंदिर का अवशेष है। ग्यारसपुर का एक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है ब्रजमठ। इस असाधारण मंदिर में 3 पूजा स्थल या कहें कक्ष बने हुए हैं।
इन तीनों कक्षों में दिगंबर संप्रदाय से जुड़ी जैन मूर्तियां रखी हैं। मंदिर का शिखर अपनी योजना और डिजाइन में बेहद खास है, लेकिन मंदिर के दरवाजों पर बनी मूर्तिकला से ये आभास मिलता है कि ये जगह शुरुआत में हिंदू देवताओं की त्रिमूर्ति को समर्पित थी। ग्यारसपुर में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेषों को देखकर पता चलता है कि कभी ये जगह कितनी समृद्ध रही होगी। यहाँ आने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आप किसी ऐतिहासिक युग के साक्षी बन रहे हों। अगर आप इस बात का अनुभव करना चाहें तो एक बार यहाँ जरूर आइएगा।